कितनी उत्तम बात श्री तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से कहते। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, किंतु पार जाई कर संशय राखा। पार जाने में संदेह है, बलवान तो सब है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने बल पर कोई भी संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। अपने बल पर, एक संत कहा करते थे कि ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, और ये तेरा भय है कि तू डूब जाएगा। भगवान की कृपा डूबने नहीं देगी, पर अभिमान मत करना कि मैं पुरुषार्थ से पार हुआ हूं, यह तो परमात्मा की कृपा है। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, इसका अर्थ है कि संसार सागर से पार जाना आचरण के बल की बात नहीं है, यह तो भगवान के चरण के बल की बात है, भगवान के चरणों का आश्रय। अच्छा, सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा। सभी अपने अपने बल के बारे में बोलते हैं, लेकिन आश्चर्य कि हनुमान जी नहीं बोले। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर श्री हनुमान जी ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। किसी ने पूछा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। जिसके पास अपना बल हो सो बोले। यहाँ हमारे पास हमारा बल है ही नहीं, बल क्या कुछ भी नहीं है। हम मंदिर में तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ है तेरा तो ये एक बल ही है जो मेरा। तन मन धन सब तेरा और घर मेरा, तन मन धन सब तेरा और मेरा मन अशांत रहता है। भगवान को भी हंसी आती कि अभी कह रहा था कि मन तेरा और फिर कहता है कि मेरा मन नहीं लगता है। जब मन तेरा है तो हम काहे को परेशान है, मैं क्यों परेशान रहूं? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए निश्चिंत रहता है भक्त, शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे, शरण रहे सो सब सुख पावे, बचन कभी ना यह जाए वृथा रे, शरणागत को का चिंता रे। अपने अपने बल का वर्णन सबने किया, हनुमान जी बोले हमें हमारा बल है ही नहीं, लेकिन आपको तो लोग कहते हैं अतुलित बल धाम। श्री हनुमान जी में बल कितना है? तो कहा उस बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, तौला नहीं जा सकता, अतुलित बल धाम। एक संत कह रहे थे 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में है। इसमें कितना बल होगा? इसीलिए अतुलित बल धाम। श्री हनुमान जी से कहा कि सभी अपना अपना बल बोल रहे हैं और अतुलित बल धाम मौन है। हनुमान जी बोले मेरे पास मेरा बल है नहीं, पर आप तो अतुलित बल धाम हैं। हनुमान जी बोले हाँ ये बात ठीक है, हैं तो हम धाम हैं। आप ऐसे सोचो जैसे किसी मकान के कमरे में सीमेंट भरा हो, सीमेंट की बोरियां भरी हो, क्यों? तो सीमेंट मकान का है कि मालिक का? मालिक का है। मकान में तो रख दिया गया है,
मकान में तो रख दिया है पर सामान है तो मालिक का। हनुमान जी बोले इसी तरह अतुलित बल धाम है, हम मकान हैं, इसमें अतुलित बल रख तो दिया है पर वो हमारा नहीं, मालिक का है, हमारा नहीं, हम तो धाम है। अच्छा तो अतुलित बल आप में कैसे आ गया? क्योंकि हनुमान जी ने कहा अतुलित बल तो एक का ही है, किसका? भगवान का। किसी ने बताया? हाँ, किसने? बल देखने वाले ने। कौन गया था राम जी का बल देखने? इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर गया। सठ चाहत रघुपति बल देखा। और जब भगवान ने प्राण दान दिया, क्षमा किया, जयंत लौटने लगा, प्रभु ने पूछा क्या देखने आए थे? प्रभु आपका बल देख लिया। हाँ, कितना बल है मुझ में? तब जयंत बोला अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, अतुलित प्रभु ताई, अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, अतुलित बल अतुलित प्रभु, अतुलित बल अतुलित प्रभु अतुलित अतुलित। जयंत ने कहा कि देख लिया प्रभु आप में अतुलित बल है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं राम जी में अतुलित बल है, अच्छा हम लोगों में भी शरीर में कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी जितनी भी हो, क्यों है? अच्छा शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर से कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे बैठें? शक्ति तो है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं आप शरीर लेकर जहां बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं कि शक्ति घर छोड़ आए हो? आप जहां बैठेंगे अपनी शक्ति के साथ ही तो बैठेंगे, है ना? तो हनुमान जी ने कहा कि हमने यही किया, राम जी में है अतुलित बल और राम जी को हमने बिठा लिया अपने हृदय में। जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर, राम जी बैठे हैं हृदय में तो मेरा मन हो गया राम धाम और राम जी के पास है अतुलित बल, इसीलिए मुझे कहा जाता अतुलित बल धाम। तो हनुमान जी बोले मैं तो धाम हूं, बल तो मेरा है नहीं। अब इस बल का उपयोग जिस जैसा करना चाहिए मालिक के ऊपर है। मैं मकान हूं पर इस मकान का जो मालिक है वही इसमें रखे हुए सामान का स्वामी है।